हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब भाई? बहुत बढ़िया हो। नया दिन, नई शुरुआत। और आप कैसा? तो आज हम लोग सत्ताधार जाने वाले हैं। सत्ताधार में वहाँ पर एक मंदिर है और एक गौशाला है, और वहाँ पर एक पहले एक भैंसा था, उसकी भी एक कहानी है। और वहाँ मंदिर से पीछे एक बढ़िया नदी जाती है, वहाँ पर उस भैंसा पानी पीने आता था, ऐसे कुछ कहानी है। वो मैं आपको वहाँ जाकर ही बताऊंगा सब पूरे पूरी कहानी। सो गाइस, फाइनली अभी हम लोग सत्ताधार पहुंच गए हैं। ये है गौशाला, यहाँ ऐसा कुछ गेट है यहाँ। ये है गौशाला यहाँ की, और एक गौशाला वहाँ पर भी है। पहले दर्शन करके आते हैं, फिर गौशाला में जाते हैं। ये है पूरा जगदीश भवन, और सामने ही मंदिर है। तो ये है यहाँ का भैंसा, मैंने आपको बताया था ना, वो भैंसा देखने के लिए जा रहे हैं, वो ये है। ये है पूरी गौशाला में अलग 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 तरह की गायों के लिए अलग अलग सेक्शन बनाए गए हुए हैं यहाँ पर। आप लोगों ने जो भैंसा देखा ना, वो जहाँ पानी पीने जाता था ना, वहाँ पर हम लोग जाएंगे। और ये है पूरा जीवराज बापू का भवन है। सो अभी हम लोग उस भैंसा पानी पीने आता था वहाँ पर जा रहे हैं ना, उस वहाँ एक घाट है, उसका नाम है लक्ष्मण घाट। और यहाँ है, ये मैं नीचे जाकर आपको दिखाता हूँ। तो ये है पूरा घाट, यहाँ पर वो भैंसा पानी पीने आता था। यहाँ पर भी एक गौशाला है। यहाँ पर ना एक दिक्कत बहुत आती है, आप लोग कहीं पर भी जाते हो ना, यहाँ कोई भी जगह में, तो सब जगह बाहर गेट पर ही ऐसे बोर्ड मारे होते हैं कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की सख्त मनाही है। आप लोगों में से किसी ने भी इंस्टा में मुझे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर लो। और ये आप सब लोगों ने देख लिया होगा कि वहाँ पर वीडियो और फोटो खींचने की मनाही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड।